फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आज हम आपके साथ एक बार फिर आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। पहले हमने चॉकलेट आइसक्रीम बनाई थी, लेकिन आज हम आपके लिए वेनिला आइसक्रीम लेके आए हैं। तो चलिए वेनिला आइसक्रीम की रेसिपी आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मेरी और वीडियोज़ देखने के लिए सिस्टर लिंक आते हैं, वहाँ क्लिक करके आप मेरी और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं किचन में, स्टार्ट करते हैं अपनी वेनिला आइसक्रीम बनाना। आज हम बनाने जा रहे हैं वेनिला आइसक्रीम। तो वेनिला आइसक्रीम बनाने के लिए हमें सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, यानी कि सिर्फ तीन ही सामान, जिसमें कि हमने पहले लिए है क्रीम। हमें फ्रेश क्रीम की ज़रूरत है। एक हमने फ्रेश क्रीम की बॉटल ले ली है, ये अमूल या और ब्रांड के भी आते हैं, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये कंडेंस मिल्क को हम मिल्क मेड भी कहते हैं। ये हमें आधी बॉटल चाहिए। एक बॉटल क्रीम के साथ हम आधी बॉटल कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे। आप इसे एक बोतल के साथ दो बार आइसक्रीम बना सकते हैं। और ये हमारा है वेनिला एसेंस। ये हमें वेनिला एसेंस चाहिए क्योंकि वेनिला आइसक्रीम है, तो इसमें हमें कुछ ड्रॉप वेनिला एसेंस के चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वेनिला आइसक्रीम बनाना। आइसक्रीम बनाने के लिए, क्योंकि हम ये वाली आइसक्रीम अपनी बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक बीटर के बना रहे हैं, आपको हाथ से मैशर की सहायता से आपको ये बना के दिखाएंगे कि ये आइसक्रीम कितनी सिंपल, कितनी ईजी बन जाएगी। तो इसलिए हमने एक बाउल में, बड़े बाउल में आइस क्यूब्स लिए हैं। ये हमने आइस क्यूब्स ले लिए हैं अपने बड़े बाउल के अंदर। इस खाली है, इसके अंदर हमें एक अपनी जो हमें बाउल जिसमें हम आइसक्रीम के लिए बनाएंगे ये ले लेते हैं खाली। इसको इसके अंदर रख देंगे, ऐसे सेट कर देंगे कि आइसक्रीम इसके चारों तरफ आ जाए। इस तरीके से आइस क्यूब हमने चारों तरफ, इसके नीचे ऊपर साइड में सब तरफ कर दिए हैं। बीच में अपना बाउल रखा है जिससे कि बिल्कुल चिल्ड हो जाए, क्योंकि हमें ठंडा करना है। और जो हमने क्रीम यूज़ करनी है, ये भी हम 3-4 घंटे पहले से आप फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दीजिए, जिससे कि बिल्कुल चिल्ड हो जाए, तो ये जल्दी बनेगी, कम टाइम लेगी आपका। चलिए, तो हमने ये क्रीम ली है, जो हमने बाउल, ये इसके अंदर अपनी डालते हैं, सारी निकाल लेते हैं बाहर। ये फ्रेश क्रीम है। लीजिए, हमने अपनी सारी क्रीम इसमें से बाहर निकाल ली हैं। अब हमें, जैसे कि हमने सारी क्रीम अपनी इस बाउल में निकाल ली है और ये चिल करने के लिए चारों तरफ इसमें आइस क्यूब लगा दिया है, अब इसके बाद जो हमें इसे फेंटना है, और इसे बहुत स्पीड से फेंटना है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक बीटर अगर यूज़ करते हैं तो आप फट से आप इलेक्ट्रॉनिक बीटर यूज़ करेंगे, वो फेटेगा और तैयार हो जाती है आपकी क्रीम। पर हाथ से फेंटने में आप ये सोचिए कि आपको डबल टाइम लगेगा और मेहनत भी अच्छी खासी लगने वाली है, तो इसलिए आप अच्छे से फेंटिएगा इसे। और इसे एक व्हिप क्रीम की तरह, जैसे कि केक पे लगाने वाली क्रीम बनती है, उस तरीके से इसे फ्लफी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फेंटना। इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं पकड़ के। जैसे आप इसमें घुमाएंगे थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, इस तरीके से हमें फेंटना है काफी देर तक, जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। देखिए, तो हमने काफी देर इसको बीट करा है, बहुत देर तक इसको हमने फेंटा है। फेंटने के बाद इसको एकदम फ्लफी कर दिया, आपको दिखा देते हैं। देखिए, एकदम गाढ़ा गाढ़ा है, बहुत ही अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है। अब हम इसमें अपना कंडेंस मिल्क डालेंगे, उसके बाद हमें फिर फेंटना है इसको। काफ़ी देर फेंटने के बाद, जो हमने कहा था कि हमें आधी बॉटल कंडेंस मिल्क की चाहिए, तो हम ये आधी बॉटल इसमें यूज़ करेंगे। बाकी मीठा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा लेंगे। आप बीच में इसे चख के फिर डाल सकते हैं टेस्ट करके, तो मीठा आपके अकॉर्डिंग है या ज़्यादा है। कंडेंस मिल्क इसके अंदर डालने के बाद इसे एक बार फिर आपको 5 से 10 मिनट अच्छे से फेंट लेना है। आप इसमें यहीं पर ही हम वेनिला भी ऐड कर देते हैं। वेनिला की हमें कुछ बूंदे इसमें जानी है। 1, 2, 3। आप हाफ, हम ये मान सकते हैं कि आप ये आधा ढक्कन वेनिला की इसमें डाल दीजिए। इसके बाद इसे खूब अच्छे से आप फेंटिए, कम से कम 10-15 मिनट इसे और अच्छे से फेंट लीजिए। उसके बाद ये आइसक्रीम जमने के लिए हम अपने फ्रिज में रखेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमने कंडेंस मिल्क और अपनी वेनिला ऐड करने के बाद भी इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब हम आपको दिखा देते हैं, इसे हटाते हैं अलग।
आइस क्यूब का काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा आप देखिए काफी गाढ़ा हो चुका है आइसक्रीम बनने के लिए, बिल्कुल एकदम गाढ़ा है। अब हम इसे अपने कंटेनर में डालेंगे, जिसमें भी आप आइसक्रीम जमाना चाहते हैं उस कंटेनर के अंदर इसे डाल देते हैं। तो हम इसे इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं अपने बाउल के अंदर। आइसक्रीम जमाने के लिए 7 से 8 घंटे चाहिए होते हैं, जिससे कि आइसक्रीम आराम से अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आइसक्रीम बनाने के लिए आप रात को आप आइसक्रीम बना के अपने फ्रिज में रखिए, पूरी रात भर वो आइसक्रीम अच्छे से बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। आप मॉर्निंग में निकाल के अपने इसे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि रात भर की टाइमिंग जो होती है वो इनफ होती है आइसक्रीम को सेट करने के लिए। हो सकता है 7-8 घंटे का आप टाइम लें और बीच में ना सेट हो, तो आप रात में रखिए तो बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाएगी आपकी आइसक्रीम। चलिए इसे अपने फ्रिज में रखते हैं और आपके लिए मैंने पहले ही एक आइसक्रीम जमा रखी है, उसे लेके आते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने पहले ही आपके लिए जमा रखी है आइसक्रीम। तो ये मैंने रात भर स्टोर करी थी फ्रिज के अंदर, तो ये बहुत अच्छे से जम चुकी है, एकदम सेट है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अब हम इसे सर्व करते हैं, इसके हम आपको कटिंग भी करके दिखा देते हैं। ये देखिए कि आइसक्रीम कितनी परफेक्टली जमी है। ये देखिए ये आइसक्रीम एकदम परफेक्ट जमी है। चलिए तो इसकी करते हैं प्लेटिंग और आपको दिखाते हैं प्लेटिंग करके। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारी वेनिला आइसक्रीम बनके बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को रेसिपी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मेरी और वीडियोज देखने के लिए सजेस्टेड लिंक आते हैं, उन्हें क्लिक करके आप मेरी और वीडियोज भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में। बाय बाय।